तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम ध्यान करते जाते हैं, हमारे खुद में तो चेंजेस आते जाते हैं, हमारे शारीरिक चेंजेस तो होते ही जाते हैं, लेकिन साथ में हमारे घर के सब लोगों का भी पूरा सपोर्ट मिलते जाता है। अननोइंगली एक एनर्जी काम करती जाती है और पूरा माहौल चेंज होते जाता है और पूरा एक स्वर्ग हमारे घर में ही तैयार हो जाता है। आत्मवंदन सभी को। पितामह ब्रह्मशी कोटि कोटि प्रणाम। दीप्ति मैम, राम सर, सभी मास्टर्स को कोटि कोटि धन्यवाद। मैं शिल्पा प्रधान, नवसारी, गुजरात से। मैं इस ध्यान के जगत में लगभग 10 साल से आ चुकी थी, लेकिन जो मुझे चेंजेस दिख रहे थे लाइफ में वो थोड़े कम थे। यानी चेंजेस तो मुझे फील होते थे, लेकिन जिस तरह से मुझे चाहिए था, जो मुझे चाहिए था, वो मुझे नहीं मिल रहा था। थोड़े दिन पहले यानी लगभग जून में मेरी सहेली वंदना जैन, जो भोपाल से है, उसने मुझे एक YouTube लिंक 38 डे बुद्ध बनो की भेजी थी। उसने मुझे बताया, तुम ये एक ध्यान करके देखो, फिर देव बताना मुझे क्या हो रहा है। तब मैंने वो YouTube का लिंक देख के उसके ऊपर मैंने ध्यान किया। वो YouTube का लिंक था, वो Zoom का लिंक भी नहीं था, इसलिए एक्चुअल जब मास्टर्स होते हैं वो टाइम भी नहीं था। लेकिन जब मैंने इसमें ये लिंक से मैंने जब किया, तब मुझे जो अनुभव हुआ था वो एकदम ही अद्भुत था। जैसे मैंने आज तक कभी भी सपने नहीं देखे थे, इसलिए मुझे पता भी नहीं कि सपने का मतलब क्या है। सीधा रात को सोती थी और डायरेक्टली सुबह उठ जाती थी। इस ध्यान में जब मैं बैठी, तब सबसे पहले एकदम मुझे सब दिखने लगा। ये बहुत अचरज की बात थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो अब नहीं है, पहले मुझे वो दिखे, किसी एक घर पे खड़े थे और स्माइल कर रहे थे, खुश थे वो। फिर मैं वहाँ से चलते चलते एक जंगल में जाती गई, जंगल से जाते जाते फिर पहाड़ पे चढ़ी और फिर वहाँ से मैंने नीचे जंप लगा दिया। जंप लगाने पर फिर फील हुआ कि अरे ये तो बहुत ही डीप है, तो अब मैं तो मर जाऊँगी, वो फीलिंग भी मुझे उस टाइम पे आई। लेकिन फिर पता नहीं किसी ने धीरे से मुझे नीचे बिठा दिया और फिर मैं फिर से चलते चलते एक पगडंडी दिखी, उससे मैं चलती गई। वहाँ पे आगे जाने के बाद मुझे एकदम स्वामी विवेकानंद जी दिखे। ये मेरे लिए एक अगेन बहुत सरप्राइजिंग बात थी, क्योंकि विवेकानंद जी के बारे में मैंने जब मैं स्कूल में थी तब मैंने पढ़ा है, उसके बाद मैंने कभी कोई बुक नहीं पढ़ी, और एकदम ही वो दिखे, इसलिए मैं बहुत ही अचरज में आ गई थी, बहुत सरप्राइजिंग लग रहा था। फिर वो चलने लगे, मैं उनके पीछे पीछे जा रही हूँ। आगे जाके देखा तो परमहंस जी वो दिखे। उस दिन का सफ़र यहाँ तक का रहा, इसलिए मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। दूसरे दिन मैंने जूम पे डायरेक्टली ज्वाइन किया, उसमें इसी का चलचित्र आगे का दिखने लगा, जिसमें मुझे दिखा कि स्वामी विवेकानंद जी है और वो चल के जा रहे हैं। तो मैं बस वहाँ पे खड़ी रही, फिर एकदम एक बड़ी सी शिप दिखी और शिप में वो खड़े हैं और मैं उनके पास खड़ी हूँ और वो ऐसे उंगली दिखा के कहीं पे कुछ बता रहे हैं, इतना दिखा। मैंने जब मेरे भाई के साथ शेयर किया ये, तो उसने कहा कि जब विवेकानंद जी पहले बार USA गए थे तब शिप से गए थे, तुम गूगल पे चेक करो। जब मैंने चेक किया तो अद्भुत चीज़, वो सेम शिप मैंने इसमें देखी थी, मेरे ध्यान में मैंने देखी थी, इसलिए मुझे लगा कि हाँ इसमें तो सही में कुछ है। तब मैंने मेरे फ्रेंड से बात की। उस समय पे JTTP 13 का बुट कैंप चल रहा था, बुट कैंप का 6th डे था
तब मेरी मेरे फ्रेंड से बात हुई तो उसने कहा ठीक है तेरे को अगर ज्वाइन होना है तो मैं निधि मैम का तुम्हें नंबर देती हूँ, तुम उनसे रिक्वेस्ट करके देखो। मैंने उनसे बात की और इस तरह से मैं JTTP 13 में ज्वाइन हो गई। जब मैं वहाँ उसमें ज्वाइन हुई उस टाइम पे मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो चुका था और 3-4 साल से मैं वो सफ़र कर रही थी। मेरा JTTP ज्वाइन होने के 7-8 दिन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस कम्प्लीटली विदाउट मेडिसिन चला गया। उसके बाद उसमें भी मुझे कुछ कुछ अलग अलग विजुलाइज होते गए, अलग अलग चीज़ें दिखती गई। निधि मैम से मैं इस बारे में बात करती जाती थी। उसी टाइम पे हमें बुक बताया गया थे, कुछ बुक्स बताए गए थे कि तुम ये पढ़ो। मैंने एक बुक हाथ में लेके पढ़ने का ट्राई किया लेकिन तब मुझे सही में कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि वो मुझे हायर लेवल लगा, स्पिरिचुअल बुक थी, उसकी आदत नहीं थी। तब बाद में पता चला कि इस बुक के साथ कनेक्ट होना है और फिर तुम करो। उसी टाइम पे मुझे मन से ही एक सिग्नल आया कि मैं जो कर रही हूँ क्यों ना मेरे साथ जो बाकी के दूसरे पन से जुड़े हुए जो लोग थे उनके साथ भी शेयर करूँ। इसलिए मैंने सबको एक जगह बुलाया, एक मीटिंग की और उन्होंने उनको बताया कि एक हम ये ध्यान करेंगे, आप लोग खुद देखो, आपको अगर सही लगे तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सब लोग आए थे, आधे घंटे का पत्री जी का फ्लूट मेडिटेशन करवाया और सबको अनुभव हुए, अलग अलग अनुभव हुए। इसलिए फिर तय हुआ कि ठीक है हम ये स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये कोरोना टाइम था, जूम पे करना ज़रूरी है लेकिन फ्री जूम 40 मिनट का है। बस दिमाग में एकदम आया कि कोई बात नहीं, ये करना ही है। मैंने जूम अकाउंट खरीद लिया और जूम पे सब लोग कनेक्ट हो गए और उस पर मैंने दोपहर का सेशन 3-5 का मेडिटेशन और बुद्ध पनों का जो स्वाध्याय होता था उसके साथ स्टार्ट कर दिया। थोड़े दिन तो ये ऐसा चलता रहा। फिर दिमाग में आया कि बुद्ध पनों के तो वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे है, वो कभी भी कोई भी कर सकता है, क्यों ना हम पत्री जी के ही बुक्स को स्वाध्याय की तरह से हम खुद गुजराती में स्टार्ट कर दें। तो तय हुआ कि कल से हम तुलसी दल स्टार्ट करेंगे। उसके 2-4 पेजेस मैंने सबको बताया था कि आप सब लोग पढ़ के आइए, हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन बाय चांस ऐसा हुआ जब मिले किसी का भी तैयार नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा गो थ्रू किया था। मुझे सिर्फ एक थोड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं नॉन गुजराती हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं गुजराती में नहीं कर पाऊँ। लेकिन उस दिन मैंने स्वाध्याय गुजराती में फर्स्ट टाइम लिया और सरप्राइजिंगली सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, सभी ने कहा कि हाँ आप जो बता रहे हैं, समझा रहे, वो हमको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। इस तरह से हमारी वो एक स्वाध्याय की जर्नी में स्टार्ट हो गई जो कम्प्लीटली गुजराती में थी। उसके साथ साथ प्रशांत सर के साथ बात हुई, उनके साथ मैंने शेयर किया तो उन्होंने कहा कि क्यों ना तुम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम के साथ जुड़ जाती हो, इसलिए उन्होंने मुझे उसमें जोड़ा। तब मुझे एक इंट्यूशन आया कि क्यों ना मैं सोल्स जर्नी पीटर रिचर्ड की जो बुक है वो ले लूँ। ऑडियो बुक के लिए मैंने वो सिलेक्ट किया और गुजराती और मराठी दोनों में मैंने स्टार्ट करने का तय किया। ये अगेन मेरे लिए कम्प्लीटली डिफरेंट चैलेंजिंग जॉब था क्योंकि पहले मैं टीचर रह चुकी हूँ लेकिन मैं एक स्कूल में टीचर थी, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सब्जेक्ट सिखाती थी और ये कम्प्लीटली ऐसी लैंग्वेज जो मैंने कभी स्कूल में पढ़ा भी नहीं है। ऐसे सब्जेक्ट भी नया था, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट था और लैंग्वेज भी मेरे लिए नई थी क्योंकि गुजराती में मैं पूरा का पूरा समझाना था। वो मैंने स्टार्ट किया, ये एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ हुई। फिर JTTP करने के बाद सेठ विजडम किया और फिर राम सर से मेरी बात हुई और उसके लास्ट दिन उन्होंने मेरे पास एडमिन के लिए, इनर जर्नी के एडमिन के लिए फॉर्म भेजा कि आप इसमें एडमिन की तरह से ज्वाइन हो जाइए। इनर जर्नी ऑनवर्ड्स मैं एडमिन टीम में आ गई। उसमें भी अगेन एक सरप्राइजिंग थिंग हुई, रोज जो प्रोसेसेस होते थे वो
प्रोसेस का एक शॉर्ट समरी जैसा बनाने का था जो ऑडियो में करना था। उसका एक टीम बनाया गया जिसमें 3 लोग थे और उसमें से एक मुझे चुन लिया गया था। इस तरह से वो एक जर्नी मेरी होती गई। अभी JTTP 15 में भी मैं एज ए एडमिन काम कर रही हूँ। उसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग इसके साथ जुड़ गए हैं और अभी हम लोग सब टीम वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली कर रही हूँ, हमारा पूरा एक टीम है, वो पूरा टीम काम कर रहा है। बिलीमोरा में स्कूल्स में जाके सेशंस लिए जा रहे हैं, नवसारी में भी सेशंस लिए जा रहे हैं। एक्सपीरियंसेस देखे तो जो मेरे जो हस्बैंड है तो उनका एक्चुअली आने का टाइम 8:30 का होता है और उसके बाद हमारा खाने का प्रोग्राम रहता था। इनर जर्नी में मैं एडमिन में थी तो हमारी डेली मीटिंग 8:30 को शाम को ही होती थी। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि वो जस्ट घर में एंटर हुए और मैं मीटिंग में चली गई, या फिर मैं मीटिंग में होती थी और तब वो एंटर होते थे घर में, और जब मैं बाहर निकलती थी मीटिंग में से तब तक वो सो जाते थे। लेकिन फिर भी सरप्राइजिंगली कभी भी कोई भी कंप्लेन नहीं हुई। बिजी ही रहती थी मैं, फिर भी कभी कोई कंप्लेन नहीं। एक लेटेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अभी दिवाली के टाइम पे लगभग 5 तारीख से एक प्रोग्राम हमारा बन गया कि हम लोग घूमने चले जाएंगे। 10 दिन का प्रोग्राम था ये। 16 तारीख को हम लोग नवसारी वापस आने वाले थे और 16 तारीख को ही हमारा नवसारी टीम इस महाकुंभ के लिए निकलने वाले थे ट्रेन से। तो मेरे से एकदम मुंह से निकल गया जब ये प्लानिंग हुआ, बुकिंग हो गई फ्लाइट की। मैंने कहा, अरे मुझे तो इसमें जाना था, तुमने तो ये सब बुकिंग कर दिया, अब मैं क्या करूँ। उन्होंने जो मेरी फ्लाइट की बुकिंग नवसारी तक की, सूरत तक की गई थी, वो सब कैंसिल करके उन्होंने मेरी कंप्लीट देहरादून की फ़्लाइट नए सिरे से बुक कर दी और मैं डायरेक्टली वहाँ से, दार्जिलिंग से डायरेक्टली अकेले फर्स्ट टाइम ट्रैवल करके यहाँ पे आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम ध्यान करते जाते हैं, हमारे खुद में तो चेंजेस आते जाते हैं, हमारे शारीरिक चेंजेस तो होते ही जाते हैं, लेकिन साथ में हमारे घर के सब लोगों का भी पूरा सपोर्ट मिलते जाता है। अननोइंगली एक एनर्जी काम करती जाती है और पूरा माहौल चेंज होते जाता है और पूरा एक स्वर्ग हमारे घर में ही तैयार हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।